दोस्तों, आपने साल 1993 में आई फिल्म संग्राम तो जरूर देखी होगी। ये फिल्म फिल्मी जगत की उन फिल्मों में से है जिसमें अभिनेत्री आयशा जुल्का और अजय देवगन की लव केमिस्ट्री के साथ साथ विलेन की खूंखार खलनायकी को भी बड़ा पसंद किया गया। साथ ही फिल्म के गाने भी दर्शकों के दिलो दिमाग में घर कर गए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इन अभिनेताओं के बारे में नहीं बल्कि इस फिल्म में काम करके प्रसिद्ध होने वाले कुछ कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाने वाले हैं जो आज अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, रीमा लागू। इस फिल्म में अभिनेत्री रीमा लागू मिसेस शमशेर राणा का किरदार निभाते हुए दिखी थी। इस किरदार को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया और दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की। आज ये भले ही हमारे बीच ना हो लेकिन इनके द्वारा निभाए गए इस किरदार को आज भी दर्शक बखूबी याद करते हैं। अगर बात करें इस बेहतरीन अभिनेत्री के पति की, तो इनके पति का नाम विवेक लागू है जिनसे इन्होंने 1978 में शादी की। इस शादी से इन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम मृणमयी लागू है। वहीं आपको बता दें, रीमा और विवेक की शादी कुछ समय तक ही टिक पाई थी, उसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया। नंबर 4, डेनी डेंजोप्पा। इस फिल्म में ठाकुर शमशेर सिंह का किरदार अभिनेता डेनी डेंजोप्पा ने निभाया था जो फिल्म में मधु एस सिंह के पिता होते हैं। इन्होंने एक पिता की भूमिका को बड़े ही शिद्दत से निभाया और दर्शकों में तारीफें बटोरी। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी की, तो उनकी पत्नी का नाम गाना डेंजोप्पा है जिनके साथ ये साल 1990 में शादी के बंधन में बंधे थे। आज इस शादी से इन्हें दो बच्चे हैं जिनका नाम रिंजिंग और पेमा डेंजोप्पा है। आपको बता दें, गाना प्रोफेशन से एक बिजनेस वुमन है जो सिक्किम के राजघराने से ताल्लुक रखती है। नंबर 3, करिश्मा कपूर। इस फिल्म में मधु एस सिंह का किरदार अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने निभाया जो राजा एस सिंह कंवर से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन राजा कंवर उन्हें अपना दोस्त मानता है। फिल्म में करिश्मा कपूर के इस किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा। अगर बात करें इस टैलेंटेड एक्ट्रेस के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम संजय कपूर है जिनके साथ इन्होंने साल 2003 में अपना घर बसाया था, लेकिन शादी ज्यादा नहीं चली और 13 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। आपको बता दें, संजय कपूर प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है जो अपने फील्ड में काफी सक्सेसफुल है। नंबर 2, अजय देवगन। फिल्म में अभिनेता अजय देवगन मेन लीड एक्टर के तौर पर राजा एस सिंह कंवर का किरदार निभाते हुए दिखे जो पल्लवी के सिंह से बहुत प्यार करते हैं और उसे पाने के लिए हर मुसीबत का सामना करते हैं। अगर बात करें इस जबरदस्त अभिनेता की पत्नी, तो उनकी पत्नी का नाम काजोल है जिनके साथ इन्होंने साल 1999 में घर बसाया और आज इस शादी से इन्हें दो बच्चे हैं, न्यासा देवगन और युग देवगन। आपको बता दें, काजोल हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री है जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। नंबर 1, आयशा जुल्का। इस फिल्म में अभिनेत्री आयशा जुल्का को पल्लवी के सिंह का किरदार निभाते हुए देखा गया जो खुबेर सिंह की बेटी और राजा सिंह बने अजय देवगन की प्रेमिका होती है। फिल्म में इन दोनों की लव केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया जिसके चलते ये फेमस हो गए। अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के पति की, तो उनके पति का नाम समीर वशी है जिनसे इन्होंने 2003 में शादी की थी। आपको बता दें, समीर वशी प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है जो लगातार कामयाबियों की ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको फिल्म संग्राम में इन कलाकारों में किस कलाकार का अभिनय जबरदस्त लगा, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।